बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रह्माकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी से बात की। बातचीत में स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्माकुमारी संस्थान का आभार जताया तथा पूरे देश में अभियान चलाने के लिए प्रेरणा दी। इस मौके पर संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने के लिए कार्य योजना पेश की गई। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें देश भर के 15 स्थानों पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रमुख और स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर दादी जानकी से रूबरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दादी जी को प्रणाम करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मैं दादी जी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ और दादी जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना भी करता हूँ। राजयोगिनी दादी जानकी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पूरी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान को 80वें वार्षिक उत्सव में कई अभियानों के साथ जुड़ने पर भी आभार माना। मुझे याद है कि 80वें वार्षिकोत्सव में मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला था और मैंने महिला सशक्तिकरण, कुपोषण, ऊर्जा संरक्षण ऐसे अनेक प्रयासों के साथ आपसे जुड़ने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि आपने इसको ना सिर्फ याद रखा बल्कि 10 सूत्री कार्यक्रम बनाकर देश भर में काम भी शुरू कर दिया है। आप हमेशा से समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। स्वच्छता के प्रति जन जागरण में भी आप हमेशा से आगे रहे हैं। संस्थान ही नहीं, आदरणीय दादी जानकी जी खुद भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान को गति देने में निरंतर अपनी भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में इस संस्था ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी सराहना की व दादी जी का बार बार तहे दिल से शुक्रिया मानते हुए कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प निश्चित रूप से स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित कर रहा है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो आपका मार्ग है वो देश में स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत में उपस्थित सभी बीके सदस्यों ने मोदी जी का अभिवादन किया और संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान की बधाई देते हुए एक ऐतिहासिक पहल बताया। इस मौके पर राजयोगिनी दादी जानकी जी के साथ संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मीडिया निदेशक बीके करुणा, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल समेत कई वरिष्ठ भाई बहने उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संबोधन के बाद उपस्थित हजारों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली, जिसके बाद सभी बीके सदस्य एक साथ रैली के रूप में नारे लगाते हुए तलहटी चौराहे पहुंचे, जहां क्षेत्र के 4 स्थानों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। सबसे पहले जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, जिला प्रमुख पायल परशुराम पुड़िया, SDM निशांत जैन, UIT चेयरमैन सुरेश कोठारी, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंधल, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत ने हाथों में झाड़ू थामकर अभियान की शुरुआत की। डेफिनेटली जरूर पूरा होगा और हम देख रहे हैं जो बदलाव पूरे देश भर में जो दिखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही अलौकिक और अलग बदलाव है जो पहले हमने कभी नहीं देखे। और जो अब समय बदल रहा है तो समय के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है, उनके सोचने का तरीका भी बदल रहा है और ये उनका सपना, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे गांधी जी का सपना जरूर पूरा होगा। हम सब मिलकर इस सपने को अगर साकार करेंगे, संकल्प लेंगे, तो हम इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट जो है, ये स्वच्छता अभियान ही एक मूवमेंट है जिसके तहत हर आदमी, हर इंसान सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज का जो प्रधानमंत्री जी का एक है कि अगला पखवाड़ा जो स्वच्छता के लिए समर्पित है, हम आबू रोड के सारे जनप्रतिनिधि और जन समाज से पूरे निवेदन करते हैं कि इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और आबू रोड और माउंट आबू दोनों को
हम एकदम इतना साफ सुथरा करें कि आने वाला कह दे कि हाँ माउंट आबू और आबू रोड जैसा कोई साफ शहर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज से शुभारंभ किया है और उसमें अभी ब्रह्मा कुमारीज में दादी जानकी से उन्होंने संवाद किया है। उसी के बाद ये पूरा एक श्रमदान का बहुत बड़ा कार्यक्रम आबू रोड में रखा गया जिसमें चार हिस्सों में टीमें बंटकर पूरे आबू रोड को साफ करेंगी। तो ये इस तरह से एक चूंकि 15 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था तो 4 साल इस अभियान के पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने इसको दोबारा से एक उसकी समीक्षा भी की और उसको आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 15 सितंबर से शुरू हुआ यह सफाई अभियान 2 अक्टूबर तक रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इन 15 दिनों में संस्था ने 50,000 स्थानों को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है।